हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइस बाबा डेली क्विज करंट अफेयर। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। ये आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्प काम में आएगा आपको। ये 5 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने डे 33 तक यहाँ पे डाला है प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूपीएससी परसीवरेंस करके मेरा चैनल है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया स्पेस स्पेसएक्स। इंडिया स्पेसएक्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। एक मिनट, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, होप आपको विजिबल होगा। या इंड स्पेसएक्स के बारे में यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और दो ऑप्शन दिए हैं। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द की चैलेंजेस एंड शॉर्टफॉल इट कॉन्फ्लिक्ट इफ कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट्स इन द स्पेस डायमेंशन। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। और इसका सही आंसर है बोथ 1 और 2 करेक्ट हैं। यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। ये इंड स्पेस एक्स के बारे में यहाँ पे दिया था। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम। द एक्सरसाइज एम्स टू एक्सेस इमिनंट थ्रेट्स टू द नेशन बियॉन्ड अर्थ। इट आल्सो प्लान्स ऑन ड्राफ्टिंग अ जॉइंट स्पेस डॉक्ट्रिन फॉर द फ्यूचर बैटल। द ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और द आइडियस प्लान्स ऑन कंडक्टिंग 2 डे इन स्पेस एक्स विद ऑल स्टेक होल्डर इन्वॉल्व। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT के बारे में यहाँ पे पूछा है। इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद द ऑप्शन ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन इज़ वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यूज इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स रेफर टू एज अ नोट्स टू रिकॉर्ड शेयर सिंक्रोनाइज ट्रांजेक्शन्स इन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक लेजर इंस्टेड ऑफ कीपिंग डाटा सेंट्रलाइज एज इन द ट्रेडिशनल लेजर। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्पील स्कीम के बारे में है। SPPEL करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। दो ऑप्शन दिए। द स्कीम वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू डॉक्यूमेंट एंड आर्काइव इन द कंट्रीज लैंग्वेज दैट हैव बिकम द एंडेंजर और लाइकली टू एंडेंजर इन नियर फ्यूचर। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन सी है इसका, बहुत 1 और 2 सही है। स्पील स्कीम के बारे में ध्यान में रखना, मैं पॉज कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो इसे। सो ये 2013 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किया था। इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम इज टू डॉक्यूमेंट आर्काइव इन द कंट्रीज लैंग्वेजेस। सो आप ये पढ़ सकते हो। स्कीम इज़ मॉनिटर्ड बाई द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस लोकेटेड इन मैसूर। इसका हेडक्वार्टर मैसूर में है, कर्नाटका में। CII हैज़ कोलेबरेटेड विद द वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया ऑफ फॉर दिस नेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, ये न्यूज़ में था। कहाँ इसका लोकेशन है? ये उड़ीसा में है इसका लोकेशन। द हिंदू में आर्टिकल आया था ये। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। द मॉडल कंसेशनरी एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विद, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में है ये। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट MCA इट फॉर्म्स द कोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन इंडिया। द MCA स्पेल्स आउट द पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PPP प्रोजेक्ट। इट एड्रेसेस द गमुट ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज पर्टेनिंग टू PPP नेट फ्रेमवर्क लाइक मिटिगेशन एंड अनबंडिंग ऑफ द रिस्क एलोकेशन ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न सिमेट्री ऑफ ऑब्लिगेशंस बिटवीन द प्रिंसिपल पार्टीज प्रिसीजन and predictability of the cost obligations, reduction of the transaction cost and termination. The MCA allocates risks of the parties best suited to damage them. The model concession agreement for the various sectors like national highways, state highways, urban rail transit system and ports are available. So ये description में दिया है यहाँ पर model concession agreement के बारे में, एक बार पढ़ लेना pause करके।
ये 5 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो में आगे लाऊंगा। थैंक यू सो मच।